साहिल कहते हैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब की एक तकरीर सुनी जिसमें वो हदीस से दलील ले रहे थे कि अरबों के लिए तबाही है, इसका क्या मतलब है? और आपने फरमाया वैलुल अरब मिन शर्रिन कद इक्तरब, अरबों के लिए हलाकत है, अरबों के लिए बर्बादी है उस शर से जो करीब आ चुकी है। एक पोस्ट मेरी नजर से भी गुजरी जिसमें टाइटल यही दिया गया और अरब रहनुमाओं की तस्वीरें लगाई गई और कहा बस ये तो हलाक हो गए, बर्बाद हो गए। और डॉक्टर साहब का वो जुमला वो सुनाया जा रहा है। आइए सही बुखारी की ये रिवायत 3598 उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ फरमा थे और आपने फरमाया वैलुन लिल अरबी मिन शर कद इक्तरब, अरब की तबाही उस शर से जो करीब आ पहुंचा है। फुतिह अल-यौम मिन रदम याजूज व माजूज मिथ्लु हाज़ा, आज याजूज माजूज की दीवार से इतना सुराख खुल गया है। अरबी जुबान में जब वेल कहा जाता है तो इसके कई मानी और कई तशरीहात हैं। सबसे पहले मशहूर माना जहन्नम की एक वादी है और दूसरा हलाकत और तबाही, तीसरा अरबी जुबान में हैरत और तंबीह के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब हर अकलमंद इस बात को समझता है कि पहला माना तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे अरब जो हैं वो जहन्नम की वादी में जाएंगे, वेल में जाएंगे, क्योंकि सहाबा भी अरब, ताबईन भी, तबा ताबईन भी, मुहद्दिसीन की एक बहुत बड़ी जमात भी, और यही वो गिरोह था जो दीन इस्लाम को सीने से लगाकर मक्का और मदीना से निकले और पूरी दुनिया के अंदर फैल गए, इस्लाम का झंडा बुलंद किया। इस सिलसिले की दीगर तशरीहात और मिसालों को नजरअंदाज करके मैं कहता हूं कि शारीन हदीस ने जो वजाहत की उससे वादे हो जाता है कि जब याजूज और माजूज का फितना और उसका शर वाकई होगा तो वो पूरी उम्मत के लिए बाइस परेशानी। अब इसका यह मायना भी नहीं कि जब याजूज और माजूज का फितना वाकई होगा तो सिर्फ अरब ही उसका शिकार होंगे या वो सिर्फ अरबों पर ही हमला आवर होंगे। इमाम इब्न हजर रहिमहुल्लाह ने इस हदीस की शरह में लिखा خص العرب بذلك لانهم كانوا حينئذ معظم من اسلم, अरब का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे किया क्योंकि उस वक्त इस्लाम कबूल करने वालों की अक्सरियत अरब ही थी। ऐसी सूरत में हदीस के एक जुमले को लेकर इसको अरबों की तबाही और बर्बादी, अब ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा और अब ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा और अब ये तबाही के दहाने पर पहुंच गया और खुद बड़े नेक और पारसा बन के बैठ जाओ और कहो जी चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था तो आपने एक जुमला कहां से लिया जिसकी तफसील किया है और लाकर कोई कहीं फिट कर रहा है, कोई अपने दिल का बुग्ज निकाल रहा है, कोई किसी मुल्क के खिलाफ हसद की आग ठंडी कर रहा है, खासतौर पर बिलाद तौहीद सऊदी अरब की मुखालफत में आजकल लोगों की जुबानें बहुत ज्यादा तेज हैं, खंजर से ज्यादा तेज हैं। एक ही जुमला कहूंगा जो इंशाल्लाह काफी रहेगा। इस बिलाद तौहीद से दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह यहां पर दावत तौहीद का कायम और दाइम होना। पूरी दुनिया में कोई एक खिता दिखा दीजिए इसके मुकाबले जहां पर इस्लाम की सबसे पहली, सबसे बुनियादी और सबसे अजीम बात ला इलाहा इल्लल्लाह का क़याम हो। कोई एक खिता दिखा दीजिए जहां कब्रों की पूजा ना हो रही हो, जहां दरगाहों की पूजा ना हो रही हो, जहां गैरुल्लाह की इबादत ना हो रही हो, तो जो लोगों को बुग्ज है, हसद है, तकलीफ है बिलाद हरमैन शरीफैन से, सऊदी अरब से, वो सिर्फ शिर्क की बुनियाद पे, सहाबा दुश्मनी की बुनियाद पे, कि दिलों में सहाबा की दुश्मनी है, गाली देने के लिए उनके सामने सऊदी अरब है और वो हदीस का ये एक टुकड़ा लेकर सऊदी अरब को गाली देते हैं। अल्लाह इनका शर्म इन्हीं के ऊपर लौटाए, बिलाद हरमैन की हिफाजत फरमाई।